अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं ओल्ड पेरियोडिक टेबल्स, न्यूलैंड पेरियोडिक टेबल, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, डुबरनेर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लेकिन जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। इससे पहले हमने क्या सीखना है, मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। मॉडर्न पेरियोडिक लॉ, दिस पेरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। मॉडर्न पेरियोडिक लॉ, दिस लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोजले इन 1913। It was introduced by Moseley in 1913. 1913 में Moseley ने ये law propose किया है after several experiments. X-ray experiments उसने किए हैं. X-ray experiments. यानी हर element को X-ray से pass किया है, फिर एक law बनाया है जिसका law है Moseley law. Moseley law is applied on modern periodic table. ये law क्या है? ये law कह रहा है if we arrange elements by increasing order of atomic number, there will be periodicity. If we arrange elements को अगर हम arrange कर ले by increasing order of atomic number, increasing order of atomic number की बुनियाद पे अगर हम arrange कर ले elements को, there will be periodicity. periodicity का मतलब है repetition of properties. periodicity का मतलब है gradual change in properties. कौन कौन से properties, मुख्तलिफ properties आएंगे, atomic size, ionization energy, electron affinity, ये properties, यानी atomic size भी है इसमें हम पढ़ेंगे, ionization energy, electron affinity, etc. ये सारे gradually change होंगे periodic table में अगर हम elements को arrange कर ले by increasing atomic number. Second definition है, second definition ये है कि atomic number के बढ़ने से properties in periodic table वो gradual change हो जाते हैं। Both are giving links, दोनों आपस में link है। First of all, we will discuss the blocks in periodic table. Blocks in periodic table. Gradual change किस तरह हम देखते हैं? For example, atomic number आपके पास hydrogen है पहला, जिसका atomic number है 1. Atomic number of hydrogen is 1. सेकेंड मेंबर पे हम लिखते हैं हेलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2. ग्रेजुअली एटॉमिक नंबर हम इंक्रीज करते हैं, साइज, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ेंगे वन बाय वन, वो ग्रेजुअली चेंज होंगे, इसको नाम देंगे हम पीरियोडिसिटी, एंड दीज प्रॉपर्टीज विल बी कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सेकेंड एटॉमिक नंबर थर्ड पे है हमारे पास लिथियम, एटॉमिक नंबर है 3, फिर है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, नेक्स्ट है यहाँ पे एटॉमिक नंबर 5 बोरोन, फिर है कार्बन एटॉमिक नंबर 6, फिर है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फिर है ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फिर है हमारे पास फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, और यहाँ पे है नियोन एटॉमिक नंबर 10. इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर से अगर हम एलिमेंट्स रख ले, देयर विल बी पीरियोडिसिटी,
प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज होंगे। फिर है हमारे पास नियोन के बाद सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम के बाद हमारे पास है मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 12। यहाँ पे फिर है एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, नाइट्रोजन के नीचे है फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, आर्गन है एटॉमिक नंबर 18। इस तरह हम पीरियोडिक टेबल अरेंज कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में इस तरह के सबसे पहले हम ग्रुप्स पढ़ेंगे। ग्रुप्स ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल क्या है? ग्रुप्स आर दी वर्टिकल लाइंस इन पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स आर दी वर्टिकल लाइंस इन पीरियोडिक टेबल। वाई एक्सिस पे जो लाइन है या वर्टिकल जो एक्सिस पे जो मेंबर्स है जो खाने हैं उनको हम नाम देंगे ग्रुप्स। ग्रुप्स का पहला डेफिनेशन है द वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स या द वाई एक्सिस इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स। यानी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस। इसी तरह द कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल। The columns in periodic table are called groups. Groups के तीन definition हो सकते हैं, vertical line या x-axis, y-axis lines या columns in periodic table. Groups हमारे पास कितने groups है? There are two categories of groups. Groups को हम कितने categories में divide करते हैं? दो categories में। एक ही category A, एक है कैटेगरी बी। कैटेगरी ए को हम दूसरा नाम दे सकते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स। और कैटेगरी बी को हम नाम दे सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दो किस्म की कैटेगरीज है, ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरीज। नॉर्मल एलिमेंट में दो किस दो ब्लॉक्स आते हैं। ब्लॉक्स में भी हम डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं हम पढ़ेंगे। इसमें एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। नॉर्मल एलिमेंट में एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आते हैं। नाउ इट इज अब एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? 1A ग्रुप, 2A ग्रुप। टोटल नॉर्मल यानी ए कैटेगरी टोटल कितने ग्रुप्स है? 8A, 1A, 2A, 3A। और बी कैटेगरी में टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 10 बी ग्रुप्स। टोटल ग्रुप्स हमारे पास कितने हैं? 18। देर आर 18 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ग्रुप ए कैटेगरी ए जिसमें 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप्स है। और 10 बी जिसमें 10 ग्रुप्स है। 10 बी को हम नाम देंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन की दो कैटेगरीज है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन का लफ्जी मतलब है इन बिटवीन, यानी ट्रांजिशन का मतलब है एस और पी ब्लॉक के दरमियान इनके प्रॉपर्टीज होते हैं। एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स है हमारे पास, 1A ग्रुप एंड 2A ग्रुप। हमारे पास दो ग्रुप्स एस ब्लॉक में आ गए। इसी तरह इट इज कॉल्ड 3A ग्रुप, 4A ग्रुप, दीज आर ग्रुप्स, 5A ग्रुप, 6A ग्रुप, 7A ग्रुप, 8A ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप्स है? 8। ए कैटेगरी में 8। दो ग्रुप्स हम एस ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं और ये दो ये बाकी ग्रुप्स पी ब्लॉक में है। जबकि 10 बी में दो ब्लॉक्स आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और आउटर का नाम है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों 8A एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स आते हैं, दो कॉलम्स आते हैं
वन एंड टू। पी ब्लॉक में छह कॉलम्स आते हैं, थ्री से एट तक, ये सारा पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन एस ऑर्बिटल पे खत्म होगा जब हम वन एस टू टू एस टू करते हैं। और पी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन पी पे खत्म होगा, पी एटॉमिक ऑर्बिटल पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन खत्म हो जाएगा। सो पी ब्लॉक स्टार्टेड फ्रॉम द 3a ग्रुप अप टू 8a ग्रुप। पी ब्लॉक कंस्टिट्यूएंट 3a टू 8a ग्रुप्स। बी कैटेगरी में जो 10 ग्रुप आते हैं वो डी ब्लॉक और ए ब्लॉक पे मुश्तमिल है। डी ब्लॉक इज प्रेजेंट इन द मिडल, डी ब्लॉक इज प्रेजेंट इन द मिडल। डी ब्लॉक में कौन है? आयरन है फॉर एग्जांपल, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक में आते हैं क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन डी पे खत्म हो जाएगा। एफ ब्लॉक बिल्कुल नीचे है, एफ ब्लॉक यहां पे है। एफ ब्लॉक, ए ब्लॉक में फिर दो सीरीज आते हैं, लेंथनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। एक लेंथनम्स एक्टिनाइड्स है, एक्टिनाइड्स एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, एक लेंथनाइड्स नाम है लेंथनाइड्स। फिर रिपीट करते हैं, हमारा आज का टॉपिक था एस एंड पी ब्लॉक, जिसमें पहला टॉपिक है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। मॉडर्न पेरियोडिक लॉ पे ये बेस्ड है, मॉडर्न पेरियोडिक लॉ किसने प्रपोज किया है? मोजले ने। मोजले ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एक्सरेस पे, हर एलिमेंट को चेक किया है विद हेल्प ऑफ एक्सरेस, पे लॉ बनाया है। वो चेक करा था कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ ज्यादा फ्रीक्वेंसीज आती थी, उन फ्रीक्वेंसी को फिर उसने इस्तेमाल करके लॉ बनाया है मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। हर एलिमेंट का अलग अलग उसने फ्रीक्वेंसीज चेक किए है, फ्रीक्वेंसीज एटॉमिक नंबर के साथ बढ़ रहे थे आफ्टर एक्सरे एक्सपेरिमेंट्स। और एक्सरे फिर किसने डिस्कवर किया था? रोंटेंजन। मॉडर्न पेरियोडिक लॉ क्या है? इफ वी अरेंज एलिमेंट्स, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर ले किस हवाले से, बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर 1 2 3 4, क्या होगा फिर? देयर विल बी पीरियोडिसिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? एटॉमिक साइज, फॉर्मल्स का एटॉमिक साइज छोटा है, ग्रेजुअली इसमें चेंज आएगा। इसका साइज फॉर एग्जांपल 1 एंगस्ट्रम है हाइड्रोजन का, ग्रुप में नीचे आते हैं, इसका फॉर एग्जांपल 1.1 एंगस्ट्रम हो जाएगा, साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा ग्रेजुअली। इसका साइज फॉर एग्जांपल 1.2 एंगस्ट्रम होगा, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। द साइज विल बी इंक्रीज ग्रेजुअली। This process is called, this phenomenon is called periodicity, and these properties are called periodic properties. Periodic table में vertical lines होते हैं, इस तरह vertical खाने होते हैं, these are the vertical lines, groups are the vertical line, groups are the vertical lines। और ये vertical line कौन से axis पे होते हैं? y-axis line पे होते हैं। इनका दूसरा नाम है columns in periodic table। total groups हमारे पास कितने हैं? 18। दो category में हम इसको divide करते हैं, 8a and 10b। 8a में s block और p block आते हैं और 10b में d और f block आते हैं। इसके बाद importance of groups। What are the implications? What are the importances of the groups? Groups क्यों बनाए गए हैं? Groups के क्या फायदे हैं? Groups में क्या match होते हैं? एक ही group में elements की क्या खसूसियात same हो सकते हैं? Similar हो सकते हैं? First group का importance है last shell electron। Must be same। एक ही ग्रुप में सारे एलिमेंट के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रुप नंबर 1a है, 1a के जितने भी एलिमेंट्स आपके पास हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, इन सब के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 1।
दे विल बी हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल. सबके आखिर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसी रिंग को कौन से ग्रुप में रखे हैं, वन फर्स्ट ग्रुप में, वन ए ग्रुप, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है. और ये किस तरह आता है, ये फिर हम पढ़ेंगे. पहले इस पीरियड में दो एलिमेंट्स होते हैं. इस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, दो. 1 + 2 इसका एटॉमिक नंबर बनेगा 3. इसी तरह लिथियम के सामने जो पीरियड है इसमें कितने एलिमेंट्स है, टोटल 8 एलिमेंट्स. लिथियम के सामने जो एलिमेंट्स है वो टोटल कितने हैं, 8. 3 + 8 किसका एटॉमिक नंबर बनेगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 बनेगा. ये एक रूल है केमिस्ट्री में, रटा से बचने के लिए हर टॉपिक में रूल है, हर टॉपिक में हम लॉ इस्तेमाल करते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके नीचे का एटॉमिक नंबर मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, इसी पीरियड में और कितने एलिमेंट्स है, 1 2, टोटल कितने एलिमेंट्स है, 2. सो 1 + 2 एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम. इसी तरह लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, आपको पता नहीं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए. इसी लिथियम वाले ग्रुप में कितने एलिमेंट्स है, टोटल 8. 3 + 8 = 11. इसी तरह आप बहुत से एलिमेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हो. सोडियम वाले इसी पीरियड में फिर 8 एलिमेंट्स हैं. और सोडियम के नीचे हमारे पास कौन है, पोटेशियम. आपको पोटेशियम का एटॉमिक नंबर पता नहीं है. सो 11 + 8 कितना बनेगा, 19. इट विल टेल यू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट इन ग्रुप. सो हम इस तरह पाते हैं लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, दीज आर डिटरमाइंड विद हेल्प ऑफ ग्रुप नंबर. ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी बता सकता है. ऑक्सीडेशन स्टेट इज द अपेरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन में भी लॉस्ट में भी गेन. क्यों लॉस करता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो, या किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है या किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है. सो इसको हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 1A है. ग्रुप नंबर 1A में और 2A में हाइड्रोजन के अलावा सारे मेटल्स है, और हमें मेटल हमेशा में पता है क्या करते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं. सो ग्रुप 1A में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, 1. यानी इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है अक्रीशन में. इनके पास अक्रीशन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1. वो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे, +1 + 1 ऑक्सीडेशन स्टेट. सबका ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल कितना होगा, +1 नॉर्मल. सेकेंड ग्रुप में कौन कौन मेंबर है, बेरिलियम. बेरिलियम के बाद यहाँ पे है मैग्नीशियम, कैल्शियम. सबके पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2. सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स में आखिरी शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, +2 + 2, क्योंकि ये मेटल्स है. +2 + 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दो दो इलेक्ट्रॉन लूज करते बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. फर्स्ट इंपॉर्टेंट था लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इंपॉर्टेंट से ऑक्सीडेशन स्टेट, और थर्ड इंपॉर्टेंट इज रिलेटेड वैलेंसी. वैलेंसी का मॉडर्न डिफिनेशन है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मड बाय द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स. आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन से जितने बॉन्ड्स बनते हैं उसका नाम है वैलेंसी, मॉडर्न डिफिनेशन है. सो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ बॉन्ड. बॉन्ड क्यों बनाता है, टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल. मोस्टली एलिमेंट ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, सम एलिमेंट्स फॉलो डुप्लेट रूल. नाउ ग्रुप 1A में एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है लिथियम सोडियम वगैरह के उसमें, दे विल फॉलो ऑक्टेट और डुप्लेट.
ये डुप्लेट या ऑक्टेट फॉलो करते हैं तो कितने बॉन्ड्स बनाएंगे? वन बॉन्ड, दे विल फॉर्म वन बॉन्ड, दे हैव वन वैलेंसी। वैलेंसी के साथ हम प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट ग्रुप वुड बी वन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ। सोडियम हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि दो बॉन्ड बनाए, क्योंकि सोडियम पहले ग्रुप में है, एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, वैलेंसी इसका है वन। इसी तरह हाइड्रोजन का वैलेंसी चेक करने, हाइड्रोजन पानी में कितने बॉन्ड बनाता है? वन वन बॉन्ड। देयरफॉर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर वन। सो ग्रुप शोज द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स, ग्रुप शोज ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप शोज लास्ट इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। इसी तरह आप इस तरह भी आ सकते हो नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल हमेशा क्या करते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ड्यू टू स्मॉलर साइज। नॉन मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो यहां से प्लस माइनस दोनों हो सकता है फोर। नाइट्रोजन पांचवें ग्रुप में है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तीन इलेक्ट्रॉन और लेगा, माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। ये छठे ग्रुप में है ऑक्सीजन, आठ तक पहुंचने के लिए माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। सातवें ग्रुप में है, आठ तक पहुंचने के लिए माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। और इंक ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली जीरो होता है, वैसे बना सकते हैं, हम बना सकते हैं लेब में नियोन वगैरह से बॉन्ड, लेकिन नॉर्मली दे हैव कंप्लीट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कंप्लीट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन की वजह से इंक ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? जीरो। सो ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम ग्रुप की मदद से मालूम कर सकते हैं। पांचवें ग्रुप में है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए आठ तक पहुंचने के लिए माइनस तीन तीन इलेक्ट्रॉन लेंगे। छह आठ तक पहुंचने के लिए माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। इस माइनस टू की वजह से ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा? टू, दो बॉन्ड बनाए। इस माइनस वन की वजह से फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? क्लोरीन फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा। सो इट वॉज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इसको अभी हम साफ करते हैं, वी विल गो टू द सेकेंड टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नेक्स्ट टॉपिक है पीरियड्स। पीरियड्स पीरियडिक टेबल में कौन सी एक्सिस का नाम है? एक्स एक्सिस लाइंस। एक्स एक्सिस लाइंस को नाम देंगे पीरियड्स या द रोज इन पीरियडिक टेबल। रोज इन पीरियडिक टेबल में जो रोज है, एक्स एक्सिस लाइंस है, these are called periods. Total periods हमारे पास कितने हैं? Seven. पहले period में कितने elements हैं? Two elements. कौन-कौन से element हैं? Hydrogen and helium. Second और third period में, second and third period में कितने-कितने elements हैं? Eight elements. Eight elements are present in second and third. Fourth and fifth में कितने एलिमेंट्स है? 18 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। इसी तरह थर्ड पीरियड में सोडियम वगैरह है, सिक्स्थ में 32 एलिमेंट्स। सिक्स्थ में कितने एलिमेंट्स है? 32 एलिमेंट्स। और सेवंथ जो लास्ट पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स है। इसमें मजीद एलिमेंट आ सकते हैं, स्टिल इट इज सम फर्दर वीकेंसीज इसमें हम बना सकते हैं इसके बाद। अभी सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट शुड बी द इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियड? पीरियड हमें क्या बताता है? पीरियड है शोज फर्स्ट इंपॉर्टेंस नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स हमें कौन बताता है? पीरियड्स। नंबर ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नंबर ऑफ शेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीरियड्स। जितने नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ेंगे नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स। वो किस तरह? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है, उसके अंदर कितना शेल है? वन। सेकेंड पीरियड में लिथियम है, बेरिलियम है, इनके अंदर कितने शेल्स है? टू टू। नंबर ऑफ पीरियड बढ़ाने से नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगे। और थर्ड में सोडियम, इधर है मैग्नीशियम,
थर्ड पीरियड वाले में कितने शेल्स होंगे? थ्री थ्री शेल्स. थर्ड पीरियड वाले में कितने शेल्स होंगे? थ्री थ्री. सेकेंड इंपॉर्टेंस इसका है द नंबर ऑफ शेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीरियड्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज. साइज भी बताता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ाने से पीरियड्स बढ़ेंगे, पीरियड्स बढ़ाने से एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी. अभी देख ले हाइड्रोजन का साइज वन, नंबर ऑफ पीरियड नंबर वन है, एक ही शेल है, साइज छोटा है. नंबर ऑफ पीरियड टू में टू शेल है, साइज बढ़ रहा है. डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ रहे हैं. दे हैव डायरेक्ट रिलेशन. सो नंबर ऑफ शेल भी बता सकता है पीरियड, साइज के बारे में भी बता सकता है पीरियड. इसी तरह हम अभी पीरियडिक प्रॉपर्टीज की तरफ आएंगे. पीरियडिक प्रॉपर्टीज आर ग्रेजुअली चेंजिंग इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल. This phenomenon was called periodicity. So we have periodic properties. In properties में सबसे पहले हमारा first property है atomic size, जिसका दूसरा नाम हम ले सकते हैं atomic radii. Atomic size का पहला definition है जो जिसमें थोड़ा सा मसला भी है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू लास्ट शेल इन एन एटम. किसी भी एटम में न्यूक्लियस से आखिरी शेल तक जो फासला है उस डिस्टेंस को हम नाम देंगे एटॉमिक साइज. लेकिन ये एटॉमिक साइज एक ही एटम के फॉर्म ही एटॉमिक साइज कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एटम जब बॉन्ड ना हो सराउंडिंग इंटरेक्शन हो सकता है, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसके साइज पे डिपेंड कर सकता है, इसका साइज चेंज हो सकता है. सो देयरफॉर दिस डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल. असल डेफिनेशन ये है द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर बॉन्डेड एटम्स. दो एटम हम कंबाइन करते हैं जो सेम न्यूक्लियाई पे मुश्तमिल हो. दो एटम के दरमियान हम बॉन्ड बनाते हैं. इन इस बॉन्ड को हम नाम देंगे, इस बॉन्ड का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर साइज. और इसको अगर हम हाफ कर ले दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज. दो हाइड्रोजन है, दोनों होमो न्यूक्लिया है, सेम एटम पे मुश्तमिल है, दोनों के न्यूक्लिया के दरमियान जो फासला है जो डिस्टेंस है उसको नाम देंगे हम मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर रेडियाई. जबकि अगर इसको हम हाफ कर ले, हाफ इस एटम का साइज बनेगा, हाफ इस एटम का साइज बनेगा. सो द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू होमो न्यूक्लिया इज कॉल्ड एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस. अभी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एटॉमिक साइज, फैक्टर्स इफेक्टिंग एटॉमिक साइज. द फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल्स. Is directly proportional to the number of shells. जितने number of shell हम बढ़ाएंगे, number of shell बढ़ाने से number of period बढ़ाने से atomic size भी बढ़ जाएगा. Number of shell हमें पता है down the group number of shell बढ़ रहे थे, atomic size भी बढ़ जाएगा. They have direct relationship. इसी तरह second factor है हमारे पास Atomic size is inversely proportional to nuclear charge बढ़ाने से, nuclear attraction बढ़ाने से size of atom क्या होगा, कम हो जाएगा. Atomic size and nuclear charge both are having inverse relationship. वो किस तरह? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास है 11. इसी तरह मैग्नीशियम
जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास है 12। सोडियम के अंदर प्रोटॉन, सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं 11, मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं 12। जितने हम प्रोटॉन हम इंक्रीज करते हैं, प्रोटॉन बढ़ाने से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, प्रोटॉन नंबर बढ़ाने से न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने से इसका जो साइज है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, साइज ऑफ एटम कम हो जाएगा। इसी तरह इसमें प्रोटॉन कम, न्यूक्लियर चार्ज कम, न्यूक्लियर चार्ज जब कम हो तो फिर एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। सोडियम इज लार्जर इन साइज देन मैग्नीशियम, बिकॉज सोडियम का साइज बड़ा है मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम में प्रोटॉन नंबर ज्यादा है, प्रोटॉन नंबर बढ़ाने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने से न्यूक्लियर इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज इट हैज इनवर्स रिलेशन। थर्ड फैक्टर हमारे पास है शेल्डिंग इफेक्ट। शेल्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम हमारे पास है स्क्रीनिंग इफेक्ट। शेल्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसका तीसरा नाम है रिपल्सिव इफेक्ट। सो शेल्डिंग इफेक्ट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ाने से साइज ऑफ एटम भी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन विद शेल्डिंग इफेक्ट। शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, इट इज द रिपल्जन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। इनर और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपल्जन है, इट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेल्डिंग इफेक्ट। अगर वो ज्यादा है तो साइज भी बढ़ जाएगी। वो किस तरह, आपके पास ये है न्यूक्लियस, ये है के शेल फॉर एग्जाम्पल, ये है एल शेल, के अंदर बी इलेक्ट्रॉन है, एल के अंदर बी इलेक्ट्रॉन है, इन के अंदर क्या है, रिपल्जन है, माइनस माइनस के अंदर रिपल्जन है, जितना ये रिपल्जन बढ़ेगी साइज भी बढ़ेगी। सो इट वॉज अटोमिक साइज विच हैज थ्री फैक्टर्स। अटोमिक साइज बढ़ाने से, नंबर ऑफ शेल बढ़ाने से अटोमिक साइज भी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन, atomic size has inverse relation with nuclear charge, and atomic size has direct relation with screening effect. Now trends in periodic table. Trends in periodic table. Periodic table में इसके trends हम देखिए कि atomic size किस side पे बढ़ेगी, किस side पे कम हो जाएगी। एक based on these factors, इन factors को आपने base बना के फिर आप trends बयान कर सकते हो। सो फर्स्ट वी चेक डॉन द ग्रुप। डॉन द ग्रुप पेरियोडिक टेबल में हम क्या देखते हैं, डॉन द ग्रुप यानी ऊपर से नीचे, डॉन ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। पेरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम हम देखते हैं कि साइज क्या होगा। टॉप टू बॉटम वी कंसीडर ग्रुप नंबर वन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। डॉन द ग्रुप हमने पढ़ा है ऊपर से नीचे, नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ पीरियड्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। पार्टिकल इसमें एक ही पीरियड, फर्स्ट पीरियड है ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ पीरियड बढ़ाने से, नंबर ऑफ पीरियड बढ़ाने से नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ाने से नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगे डाउन द ग्रुप। इसमें एक ही शेल है हाइड्रोजन में, इसमें फिर दो शेल, फिर है तीन शेल। नंबर ऑफ पीरियड बढ़ाने से नंबर ऑफ शेल भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल बढ़ाने से साइज ऑफ एटम क्या होगा, इज इंक्रीज्ड। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस या टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। रीजन नंबर वन, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। रीजन नंबर टू, नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ रहे हैं। इसी तरह लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट भी देखते हैं। लेफ्ट टू राइट का मतलब है अलोंग द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड हम इस तरह देखते हैं। पार्ट फॉर आपके पास थर्ड सेकेंड पीरियड में लिथियम है, इसके बाद कौन है, बेरिलियम, फिर है बोरोन,
कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड सो ऑन, ये सेकेंड पीरियड हम कंसिडर कर रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर जेड इंक्रीजेस। इसका एटॉमिक नंबर थ्री, इसका एटॉमिक नंबर फोर, एटॉमिक नंबर फाइव, एटॉमिक नंबर सिक्स सेवन एट एंड सो ऑन, एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक नंबर बढ़ाने से प्रोटॉन नंबर पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इंक्रीजेस। प्रोटॉन नंबर भी न्यूक्लियस में बढ़ेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्रोटॉन नंबर बढ़ाने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने से एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। इट वाज अ ट्रेंड इन एटॉमिक साइज। सो लेफ्ट टू राइट पहला रीजन है, लेफ्ट राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। व्हाई? रीजन नंबर वन, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, एज अ रिजल्ट न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। सो इट वाज द सेकंड टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें कमी बेशी हो सकती है, इंसान इंसान से गलती हो सकती है, कमेंट्स में फिर आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मे बी एनी प्रॉब्लम, कोई भी गलती हो सकती है। सो अल्लाह हाफिज़।